उपचुनाव की काउंटिंग से पहले जीत के दावे जोरों पर है। सुवासरा से बीजेपी प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग ने भी खुद की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि नतीजों के बाद कमलनाथ को दिल्ली जाना है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाई है। कमलनाथ सिर्फ बहानेबाजी करते हैं। उपचुनाव से जुड़े मुद्दों पर हरदीप सिंह डंग से खास बातचीत की हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा ने। हरदीप सिंह डंग जी हमारे साथ हैं। सर, सुवासरा में आप चुनाव मैदान में है, क्या स्थिति है? सुवासरा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी चुनाव बहुत ही अच्छे मतों से जीतने जा रही है। कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है कि सभी 28 सीटों में हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं। कांग्रेस कुछ भी बोला, अभी तो बहाने ढूंढ रही है। ईवीएम का कभी लगाती है, कभी अधिकारियों पर लगाती है, तो उनको आरोप लगाने के अलावा और कुछ बचा नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व में जो है वो स्थायी है और आगे भी बेहतरीन जो विकास के काम चल रहे हैं उसको आगे और गति मिलेगी। कमलनाथ जी ने एक बैठक बुलाई है 11 तारीख को, सपा बसपा सभी को बुलाया और सभी विधायकों से वो खुद फोन से संपर्क कर रहे हैं। हाँ, उनको अभी जैसे हमारे नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कहा है कि वो तैयारी कर रहे हैं कि आगे दिल्ली जाएं और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो भी जान चुके हैं कि शिवराज सिंह जी चौहान जी की सरकार रहेगी, आगे उनको दिल्ली का क्या प्लान है, इसलिए वो मिलना चाहते हूँ। भाजपा को आप कितनी सीट दे? भाजपा को तो 28 सीट और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं। देखा कि हरदीप सिंह डंग का साफ कहना है कि भाजपा सभी सीटें जीत रही है और आगे भी भाजपा की ही सरकार रहेगी। ब्यूरो जर्नलिस्ट नागिन के साथ संदीप मिश्रा, इंडिया 24।